हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंजलि अंजू ब्लॉग। मैं अंजलि उत्तराखंड देवभूमि उत्तरकाशी से माँ गंगा के पावन चरणों से बिलोंग करती हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और आज का ब्लॉग हमारा है, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल जा रही हूँ। काफ़ी टाइम बाद है, 2-3 महीने करीब हो गए और हम यहाँ उत्तरकाशी में रहते हैं, इसलिए अभी ससुराल जा रही हूँ। ससुराल में खेतों का कुछ काम लग रखा है एंड शादी भी है गांव में, तो उसके लिए जा रहे हैं। तो मैं तो आ जा रही हूँ, बट मेरे हस्बैंड 2-3 दिन में आएंगे, वो उनका ड्यूटी है, जॉब है, तो वो अभी नहीं आ पाएंगे। तो आज मैं अकेली जा रही हूँ, तो दिखाती हूँ आपको। अभी मैं अपने मायके में हूँ और जैसे कि मैंने आपको पसंद बताया, मैं मायके आई थी और मायके से ही जा रही हूँ अपने ससुराल की ओर। ये दामाद जी है, ये भी जा रहे हैं आज। ठीक है जी, आराम से जाना। ठीक है, थैंक यू। आपने काफी दूर जाना है। हाँ, मैंने काफी दूर जाना है, 50 किलोमीटर दूर है मेरे ससुराल बस उत्तरकाशी से। तो आपको मिलते हैं आपको आगे। लाइट खुला, ऊपर की लाइट बंद कर दो। सो फ्रेंड्स, हमारे घर से कुछ इस तरह से मार्केट का व्यू दिखता है। ये है उत्तरकाशी का व्यू है। मैं टैक्सी स्टैंड पहुंच गई हूं और अब इसके बाद निकलती हूं घर की ओर। तो गाड़ी पे बैठ गई हूं। तो अभी हम यहां पे रुक रखे हैं दौंदरी, क्या यहां का नाम, चौरंगी में, और यहाँ पे हो रही है काफ़ी बारिश। यहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा है, तापमान एकदम 0 डिग्री हो रखा होगा, बहुत ही ठंडा है, बारिश भी पूरी हो रही है। सो फाइनली मैं अपने ससुराल गांव पहुँच गई हूँ। अब मैं आपको मिलाऊंगी अपने डॉगी से, इसके रिएक्शन देखता है। हो गया तेरे पैर ठीक? हेलो मुरुचि, ले आज मेरा डे टू है एंड मैं जा रही हूँ लमगांव मार्केट। मुझे कुछ शॉपिंग करनी है शादी के लिए, तो लमगांव जा रही हूँ और दिखाती हूँ आपको आगे मार्केट। हे गाइस, तो अभी मैं लमगांव आ रखी हूँ, आप यहाँ का देखिए कुछ इस प्रकार से। और सबसे पहले ATM जाऊँगी, तो उसके बाद आपको लमगांव मार्केट घुमाऊँगी। तो देखते हैं, पहले ATM जाएंगे, पैसे निकालेंगे, तो उसके बाद जाएंगे हम। और अब हम जाएंगे मार्केट एंड कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे। आज मेरे साथ मेरे देवर आ रखा है एंड उसके पास मैंने कैमरा दे रखा है, तो अभी हम शॉपिंग करेंगे। और ATM से मैं आ गई, मैंने पैसे निकाल दिए। तो आइए गाइस, और मैं आपको लेके चलती हूँ द मोस्ट ऑफ फेमस
99 मार्केट लमगांव, जो कि बहुत ही फेमस मार्केट है, जहाँ पे दिन में सैकड़ों की संख्या से भीड़ लगी रहती है, क्योंकि यहाँ जो भी सामान है वो 99 का मिलता है। और मैं आपको लेके चलती हूँ 99 मार्केट। तो ये रहा कुछ सामान, यहाँ पे हर माल यहाँ पे 99 का है, और देख सकते हो आप सामान कुछ इस प्रकार का है। ये सामान में आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि बर्तन मिलेंगे, घर के ही रसोई में जो काम आने वाले बर्तन है वो मिलेंगे, कपड़े धुलने के लिए साबुन वगैरह मिलेंगे, और फ्रेम वगैरह मिलेंगे, घर को सजाने के लिए फ्रेम वगैरह मिलेंगे, और वॉशरूम के लिए सामान मिलेगा, और जैसे कि दीवारों के लिए पेंटिंग हो गया, फूल गुलदस्ते वगैरह हो गए, और बच्चों के लिए खिलौने के लिए गाड़ी वगैरह हो गई, और कुर्तियाँ हो गई, जैसे कि किसी के लिए कुर्तियाँ वगैरह, जींस वगैरह भी आपको मिलेंगे, सूज वगैरह भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, और डेकोरेट टेबल डेकोरेट भी सामान आपको यहाँ पे मिलेगा। मतलब बहुत सारे प्रकार के आपको यहाँ पे चीज़ मिलेंगे। तो अगर आप लोग लमगांव से ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार ज़रूर जाइएगा 99 मार्केट, क्योंकि वहाँ पर एवरीथिंग 99। सो ये जो दुकान है वो पड़ती है लमगांव के लास्ट साइड में, जहाँ टैक्सी स्टैंड है, जहाँ से प्रताप नगर के लिए टैक्सी लगती है, तो उसी के नीचे ये पड़ता है ये 99 मार्केट। कितना सेकंड का बन रहा है इसमें? बनना तो उसमें बहुत था पर हाँ, क्या बात कर रहे हो? अभी तो जिस शॉप में मैं हूँ ये कृष्णा गारमेंट शॉप है, और ये लमगांव के मार्केट में पड़ती है, और बहुत अच्छे रेट पे यहाँ कपड़े दिए जाते हैं। तो अगर आप में से कोई लमगांव से ये वीडियो देख रहा है तो इस दुकान पे एक बार जरूर जाएगा, अच्छे रेट पे हमें यहाँ कपड़े मिलेंगे। फ्रेंड्स, तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू सो मच।